कि लग रहा है कि भाजपा ही जीत जाएगी। तो भाजपा ही जीत जाएगी तो फिर आपके पास वोट देने का अधिकार बचा ही नहीं है। आप हमको बताइए कि लोकशाही का मतलब क्या होता है। लोकशाही का मतलब यह होता है कि जनता मालिक होती है, जनता जिसको चुनेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा, जनता जिसको चुनेगी वो एमएलए बनेगा। ये आपका अभी एक जुमला फेंका गया कि सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए। एक तो मैं अपना पोजीशन बता देता हूं, पहले मैं कहता था कि भगत सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। अगर ये सरकार सावरकर को भारत रत्न देने जा रही है तो मैं कहूंगा कि भगत सिंह को कभी भी भारत रत्न नहीं देना चाहिए। इससे भगत सिंह का अपमान होगा। जो माफी मांग लिया अंग्रेज से उसको तुम भारत रत्न दोगे, और जो फांसी पर झूल गया उसके लिए तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है। लेकिन यह बात चुनाव के दौरान बोली क्यों गई है, इसको समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए बोली गई है कि जब मैं आ रहा था तो रास्ते में सावरकर चौक था, पता ही नहीं चल रहा था कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है। जो सावरकर चौक का सड़क नहीं बना पाए वो सावरकर को भारत रत्न देने जा रहे हैं। इसको कहते हैं भावनाओं से खेलना, इसको कहते हैं अस्मिता का प्रश्न खड़ा करना, इसको कहते हैं आस्था का प्रश्न खड़ा करना। ये अस्मिता का प्रश्न, आस्था का प्रश्न, भावना का प्रश्न, धर्म का प्रश्न, प्रतीक का प्रश्न इसलिए खड़ा किया जाता है कि आपको हर चीज की चिंता हो रही है लेकिन आपको अपनी, अपने शहर की और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं हो रही है। आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि नेता बड़ी चालाकी से पहले खुद नेता बनता है फिर अपने बाल बच्चों को नेता बनाता है। उसको अपने बेटे के कैरियर की बड़ी चिंता है लेकिन आपको अपने बच्चे के शिक्षा की, उसके दवाई की, इलाज की, सड़क की, सुरक्षा की चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो हम ये विचार करते ना कि राजनीति में हो क्या रहा है, राजनीति में चल क्या रहा है। राजनीति में हो ये रहा है कि शाम को जो आदमी कांग्रेस में होता है सुबह को पता चलता है भाजपा में चला गया है। कल तक गांधी जी के सामने गांधी जी जिंदाबाद कहकर के फोटो खिंचा रहा था, सुबह से जो है गोडसे की मूर्ति के सामने खड़ा होकर के गोडसे जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। ये कैसे हो रहा है? बाप अपना राजनीति सेट कर लेता है, पार्टी से कहता है कि बेटा को टिकट दे दो, फिर बेटा तैयार नहीं होता है टिकट पाने के लिए, या बेटा पार्टी तैयार नहीं होती है बेटा को टिकट देने के लिए, तो बेटा आगे आगे और बाप पीछे पीछे दोनों जो है छूटा कमंडल लेकर के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये हो रहा है। कोई आपके बीच में निर्दलीय बनकर के आता है और कहता है कि हम सारे पाप से मुक्त हो गए हैं, आई एम नो मोर शिव सैनिक है, कहते हैं ना उसको, ओएलएक्स पे बेचते हैं, अब नो मोर देखते हैं, तो बोला कि अब शिवसेना का नाम से नहीं बिकेंगे, अब इंडिपेंडेंट के नाम से बिकेंगे, और जो ही लोगों ने उसको चुन दिया अगले दिन फिर शिवसेना में जाके शामिल हो गया। आप लोग नौकरी करते हैं ना, काम करते होंगे कुछ ना कुछ, क्या नियम कानून है भाई कि अगर कंपनी आपको जॉब से निकालेगी तो एक महीना पहले बताएगी, उसको कहते हैं नोटिस पीरियड। आप अगर काम छोड़ करके जाएंगे तो आप कंपनी को एक महीना पहले बताएंगे, उसको कहते हैं नोटिस पीरियड। नेता बताता है कि हम सुबह में राष्ट्रवादी हैं और शाम को शिव सैनिक हो जाएंगे, शाम को शिव सैनिक हैं सुबह में भाजपाई हो जाएंगे। कोई नियम कानून ही इनके ऊपर लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि चुनाव कैसे जीतना है, ये जानते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाता है। इन्होंने आपके दिमाग को पढ़ लिया है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, कि महाराष्ट्र के भीतर जो महाराष्ट्र के लोगों के सवाल हैं वो महाराष्ट्र की चुनाव की चर्चा से गायब है। चर्चा क्या है? 370, 420 सवालों का भाजपा के पास एक जवाब है 370। आज हमको एक पत्रकार ने कहा कि 370 खत्म हो गया, हम बोले बहुत बढ़िया बात है,
कल से आप पत्रकारिता छोड़ दीजिए, क्योंकि 370 खत्म हो गया है। 370 खत्म हो गया, इसलिए हमको सुबह में भूख नहीं लगेगी। भूख का सवाल भी तो सवाल है ना, तभी तो शिवसेना कह रही है कि 10 रुपए में खाना खिलाएंगे, 10 रुपए में खाना खिलाएंगे और 7 रुपया संदेश जाने का लेंगे। ये मुद्दा नहीं है, ठीक है। हर सवाल का एक ही जवाब है। कल तो आपको जो है अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना पड़ेगा, आपके घर में कोई बीमार नहीं होगा, क्योंकि 370 खत्म हो गया है। औरंगाबाद शहर में जो है पानी की समस्या नहीं है, क्योंकि 370 खत्म हो गया है। इस बात को आप समझिए कि चुनाव के ठीक पहले यह सगुफा क्यों छोड़ा जाता है कि औरंगाबाद शहर का नाम बदल करके संभाजी महाराज के नाम पर रख देना चाहिए। संभाजी महाराज से किसी को कोई दिक्कत है क्या? एक नया शहर बनाया जाए, नई सड़कें बनाई जाए, नई कॉलोनी बने, नया यूनिवर्सिटी बने, नया अस्पताल बने, नए तरीके से लोगों को बसाया जाए और उसका नाम संभाजी महाराज के नाम पर रख दिया जाए, क्या नाम है, क्या दिक्कत है इसमें? बनाना कुछ नहीं है, बस बिगाड़ते रहना है। कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि बनाने में मेहनत लगती है, बनाने में मेहनत लगती है, बनाने में खून पसीना लगता है। लेकिन जिसको बेईमानी करने की आदत हो जाए वो खून पसीने की कीमत नहीं समझता है, और इसीलिए यह बेईमानी की राजनीति आज हम लोगों की रगों में घुस गया है, एकदम घुस गया है। पहले से मन बनाए हुए हैं हम भी, तो अपना सरकार भी मन बनाए हुए है। सरकार बड़ा बड़ा पोस्टर लगवाई है, आपकी सरकार आ रही है अच्छे दिन की तरह। सरकार जब आ रही है, फडणवीस पहले से ही मुख्यमंत्री होने वाले हैं, तो चुनाव पे काहे पैसा खर्चा कर किया जा रहा है बताइए? इतना पुलिस लगी हुई है, बेचारी कम्युनिस्ट पार्टी भी 2 रुपया 4 रुपया चंदा करके सभा करवा रही है, रोड शो हो रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, क्या जरूरी है पैसा खर्च करने का? जब भाजपा ही जीत रही है तो फिर चुनाव कराने का क्या जरूरत है? देश में जब मोदी जी के अलावे कोई विकल्प ही नहीं बचा है तो फिर चुनाव कराने का क्या जरूरत है? बोल दीजिए कि मोदी जी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, क्या दिक्कत है? समझ में आता है? चाय की दुकान पे चुस्की लेते हुए जब लोकतंत्र पे आप भद्दा मजाक करते हैं तो ये आपको कितना भारी पड़ने वाला है इसका अंदाजा नहीं है आपको? देश में सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, इस भ्रम में मत रहिए। 200-200 रुपए में जो लोग ईमान बेच रहे हैं और सकाले सकाले जो लगा रहे हैं ना, उनको पता होना चाहिए कि वोट का अधिकार सबको नहीं था इस देश में। जब पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो आम लोगों को यह अधिकार नहीं दिया गया था, जमींदारों को वोट देने का अधिकार दिया गया था। संविधान लागू हो गया, जमहूरियत लागू हो गई, लोकतंत्र का अधिकार मिल गया, वोट देने का अधिकार मिल गया, तो समझ में नहीं आ रहा है? कहते हैं ना, मां बाप जब जिंदा रहते हैं तो उनकी कदर समझ में नहीं आती है, और 60 बरस की उम्र में भी अगर बाप मर जाए तब पता चलता है कि यतीम होने का मतलब क्या होता है। अभी अधिकार है तो उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं, दिमाग के साथ जो खेल हो रहा है उस खेल को नहीं समझ रहे हैं। टीवी आपका, रिचार्ज आप कराएं और उस पे हेमा मालिन आकर के कहेंगे कि केंट देता है शुद्ध पानी, खरीदिए केंट, पानी का सप्लाई आएगा तब ना केंट में जाएगा, तब ना आप शुद्ध पानी पीजिएगा। आने वाले 10 साल में लगभग देश के सभी बड़े शहरों का पानी खत्म हो जाएगा। औरंगाबाद पहले से पानी की समस्या झेल रही है, अब पाइप आ रहा है, बन रहा है, 300 करोड़ का प्रोजेक्ट बढ़कर के 1600 करोड़ का हो गया है, है याद है ना? इसी औरंगाबाद शहर को पानी देने के लिए 300 करोड़ का जो पाइपलाइन का योजना था वो बढ़कर के 1600 करोड़ हो गया है। और ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, चुनाव का मुद्दा क्या है कि लग रहा है कि भाजपा ही जीत जाएगी। तो भाजपा ही जीत जाएगी तो फिर आपके पास वोट देने का अधिकार बचा ही नहीं है। आप हमको बताइए कि लोकशाही का मतलब क्या होता है?
लोकशाही का मतलब यह होता है कि जनता मालिक होती है, जनता जिसको चुनेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा, जनता जिसको चुनेगी वो एमएलए बनेगा, ये आपका अधिकार है। शाम को कोट पहन करके आए टाई लगा करके और कहें मोदी नहीं तो हु, मोदी नहीं तो कौन, ये वो तय करेंगे। राजनीति में विकल्प कौन देता है? राजनीति में विकल्प जनता देती है। हम खड़े हैं, हम लोग बोले जा रहे हैं, हम भी अपने यहां बोलते थे लोगों को कि अस्पताल के लिए वोट कीजिए, आपके सड़कों पे जो गड्ढे हैं उस गड्ढों को भरने के लिए वोट कीजिए। कुत्ता माने हम लोग सुनते थे कि कोई बाघ कोई शेर वो नरभक्षी हो गया है। ये शहर तो ऐसा है कि कुत्ता भी नेताओं से सीख लिया है, वो भी नरभक्षी बनता जा रहा है। जनता नहीं पकड़ पा रही है कि उनका प्रतिनिधि उनके साथ क्या कर रहा है। कुत्ता बराबर वफादारी निभाया है, नेताओं का पूरा दुर्गुण सीख लिया है, इंसानों का खून पीने का। यह मुद्दा नहीं है। अगर यह मुद्दा नहीं है तो आप ये बात समझ लीजिए कि धीरे 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 जो नाम का ही सही सरकार चुनने का जो आपका भ्रम है वो भ्रम भी आपके दिमाग से चला जाएगा। और ये जो शब्द है सेकुलरिज्म, सेकुलर वोट, असल बात क्या है? जब ये सेकुलर वोट बोलते हैं तो असल बात ये है कि उंगली पे मुसलमान का वोट गिन रहे होते हैं। सेकुलरिज्म सिर्फ मुसलमान के लिए है, सिर्फ मुसलमान के लिए है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का फायदा इस देश की और आवाम को नहीं होने वाला है। ये बात हम समझना ही भूल गए हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी परंपरा क्या है, हमारा इतिहास क्या है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा इतिहास एक साथ रहने का है, एक साथ इस देश के लिए शहादत देने का है। इसीलिए कहते हैं कि भारत का इतिहास साझी शहादत और साझी विरासत का इतिहास है। आप कोई भी आंदोलन उठा करके देख लीजिए, आप स्वतंत्रता आंदोलन को ही उठा करके देख लीजिए, अशफाक उल्ला खान के साथ रामप्रसाद बिस्मिल भी तो फांसी पे चढ़े थे। यह हमारा इतिहास है कि नहीं है? क्यों इस इतिहास को तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है? इस इतिहास को इसलिए तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है कि राजनीति सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा यंत्र बनकर के रह जाएगी जिसमें नेता अपने बाल बच्चों का कैरियर प्लानिंग करते रहेंगे। लोगों के सवाल धीरे 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 राजनीति से गायब होते चले जाएंगे और बड़ी बारीकी से प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करके लोगों के दिमाग को खराब कर दिया जाएगा। आप सोचिए कि अगर दिन रात आपको एक बात सुनाई जाए तो उसका असर आपके ऊपर होगा कि नहीं होगा? हर सभा में जाकर के मैं एक बात पूछता हूं, ठंडा मतलब क्या होता है? कोई भी आदमी जवाब दे दीजिए। तो ठंडा मतलब थोड़ी होता है, ठंडा मतलब क्या होता है? देखिए ये ईमानदार जवाब है, बेईमानी मत कीजिए। आप देखिए प्रधानमंत्री की तरह देश को ठगिए मत। ठंडा मतलब कोका कोला होता है, नहीं तो ठंडा मतलब लस्सी नहीं होता है, ठंडा मतलब नारियल पानी नहीं होता है, ठंडा मतलब सत्तू नहीं होता है, ठंडा मतलब नींबू पानी नहीं होता है, ठंडा मतलब कोका कोला ही होता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने मोबाइल पे देखा है ठंडा मतलब कोका कोला, कैटरीना कैफ बताई है आपको ठंडा मतलब कोका कोला होता है, सचिन तेंदुलकर आपको बताया है कि ठंडा मतलब कोका कोला होता है, अब नया नया जो प्लेयर आया है वो आपको बताएगा कि ठंडा मतलब कोका कोला होता है। आपकी दीवारों पे लिखा हुआ है ठंडा मतलब कोका कोला होता है, पान की दुकान के ऊपर लिखा हुआ है कि ठंडा मतलब कोका कोला होता है, और आप मान लिए कि ठंडा मतलब कोका कोला होता है। ठंडा मतलब कोका कोला नहीं होता है, यह प्रचार है। प्रचार का माध्यम अपने उत्पाद को बेचने के लिए कंपनियां करती थी, आजकल ये राजनीतिक दल देश को बेचने के लिए प्रचार का माध्यम इस्तेमाल कर रही है। इस बात को समझिए कि कितनी चालाकी से राजनीति से, लोकशाही से,
लोगों के सवाल को गायब कर दिया गया है। और प्रचार में क्या किया जाता है? प्रचार में दिन रात आपको एक ऐसी बात परोसी जाती है जिसमें आप ये बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे आप ये बात मान लिए हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत नहीं है, ये मैं अपने अभिमान से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक सच्चाई के साथ बोल रहा हूं। ये 5 फुट 5 इंच का आदमी जिसका बाप प्रधानमंत्री नहीं था, जिसकी मां कोई नेता नहीं थी, जिसके पास अरबों खरबों का रुपया नहीं था, वो 5 फुट का 5 इंच का आदमी प्रधानमंत्री की आंख में आंख डाल करके सवाल कैसे कर रहा है, ये बात का जवाब आप दीजिए। ताकत संख्या से नहीं होती है, ताकत सिर्फ संख्या से नहीं होती है, ताकत वैचारिक प्रतिबद्धता से होती है, आइडियोलॉजिकल इंटीग्रिटी से होती है। इस बात को समझिए। और आइडियोलॉजिकल इंटीग्रिटी को आज खत्म कर दिया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है, आप मुझे सोच करके बताइए कि सेकुलरिज्म सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए यदि चुनावी नारा नहीं है, अगर हम इस बात में भरोसा करते हैं कि यह धरती जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही सिखों का है, उतना ही ईसाइयों का है, उतना ही बुद्धों का है, उतना ही जैनियों का है, जितना ब्राह्मणों का है उतना ही दलितों का है, जितना पुरुषों का है उतना ही महिलाओं का है, जितना मेनस्ट्रीम का है उतना ही आदिवासियों का है, तो मुझे बताइए कि हम विविधता में एकता में भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे? विविधता की एकता में भरोसा करेंगे जब हम राम और रहीम में भरोसा करेंगे, कृष्ण और करीम में भरोसा करेंगे, तो सुबह में गांधी जिंदाबाद और शाम में गोडसे जिंदाबाद कैसे करेंगे? इसका मतलब वो आइडियोलॉजिकल इंटीग्रिटी नहीं है, वो एक प्रचार है। इस प्रचार को, इस दुष्प्रचार को आपको समझना पड़ेगा। ऐसा कैसे होता है कि मान लीजिए हम गैर भाजपा दल में हैं तो हम सेकुलर हैं, अब भाजपा ज्वाइन किए तो हम कम्युनल हो जाते हैं। सेकुलरिज्म इतनी सतही परिभाषा नहीं है। सेकुलरिज्म एक मूल्य है जिस मूल्य को हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। हमारा संविधान का प्रस्तावना क्या कहता है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, इस शब्द पे गौर कीजिएगा। ये नहीं कहता है हम हिंदू हम मुसलमान हम सिख हम ईसाई, कहता है हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, कहते हैं ना कि मजबूत प्रधानमंत्री चुने हैं, देश की संप्रभुता सुरक्षित है। देश की संप्रभुता यदि सुरक्षित होती इनके हाथ में तो मोदी जी चाइनीज राष्ट्रपति को झूला नहीं झूला रहे होते। हर दिवाली से पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो कि चाइनीज दिया मत खरीदना, ये देशद्रोही काम है, चाइनीज लड़ी मत खरीदना, ये देशद्रोही काम है, चाइनीज राष्ट्रपति आया और हमारा प्रधानमंत्री खरीद के ले गया, ये बड़ा देशभक्ति का काम है। कैसे हम समझते हैं राजनीति को? ये शब्द महज शब्द नहीं है। संप्रभुता, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता समानता, ये महज शब्द नहीं है, ये जिंदगी जीने का तरीका है। और ये जिंदगी जीने का तरीका का जरूरत हमको क्यों है? ये जिंदगी जीने का तरीका का जरूरत हमको इसलिए है कि मान लीजिए देश एक शरीर की तरह है। देश अगर एक शरीर की तरह है तो ये हाथ अगर हमारा कमजोर हो जाएगा तो ये शरीर के कमजोरी की निशानी है कि मजबूती की निशानी है? एक समुदाय अगर समाज का कमजोर हो जाएगा तो ये समाज की मजबूती है कि कमजोरी है? अगर हम देश का विकास करना चाहते हैं तो हमको शरीर का सर्वांगीण विकास करना पड़ेगा। यह सोच करके कि यह हाथ कटेगा तब भी दर्द होगा और यह हाथ कटेगा तब भी दर्द होगा, क्योंकि हम सब इस मुल्क की इस मिट्टी में पैदा हुए हैं। यह देश जितना आपका है उतना ही हमारा है, हम सबको मिलकर के इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। ये मूल्य है, इन मूल्यों को बचाना आज जरूरी है। इसीलिए हम चुनाव मैदान में हैं कि हम मूल्यों की बात करेंगे, हम मुद्दों की बात करेंगे, हम मुद्दों को भटकाएंगे नहीं, हम इन सवाल को उठाएंगे कि आप कहते हैं कि हम सावरकर को भारत रत्न देना चाहते हैं, आप ये बताइए
कि हमारे जो रत्न हैं महाराष्ट्र के, जिनके माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हैं, हाथ रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, ड्राइवरी करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, खेती करते हैं, किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, सरकारी गैर सरकारी, पुलिस में नौकरी करें, आर्मी में नौकरी करें, अपना पेट काट करके अपने बाल बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं। महाराष्ट्र के किसी भी शहर में आप घूम करके देख लीजिए, आपको अगर कुछ मिलेगा तो इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा हर जगह। अरे यार, कोट पहन के टाई लगा करके और क्या चल रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, MBA कर रहे हैं। इन रत्नों का क्या कि इंजीनियर बनने के बाद अपने बाह में फाइल दबा करके इस ऑफिस से उस ऑफिस इंटरव्यू का के लिए चक्कर लगा रहा है, ठोकर खा रहा है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है। आपके पास इन रत्नों के जो सवाल हैं उसका जवाब देने के लिए जवाब नहीं है, इसीलिए आप बार बार इतिहास के गरे मुर्दे उखाड़ करके लाते हैं ताकि वर्तमान के सवालों को आप मुर्दा बना देना चाहते हैं, आप उसको कब्र में पहुंचा देना चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों को यह साजिश को समझना पड़ेगा कि चुनाव अपने आप में एक महापर्व है और हर 5 साल के बाद एक मौका आता है कि आप सरकार से हिसाब किताब कर सकें, और इसीलिए इस चुनाव के माहौल में जो जनता के बुनियादी सवाल हैं उसको गुमराह करने के लिए लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जाता है। आपको क्या लगता है, अपने किसी अखबार के मित्र से पूछिएगा कि अपना फोटो छपवाएंगे अखबार में तो कितना पैसा लगेगा। ये भर भर पन्ना का जो विज्ञापन आता है उसका रेट क्या है, और दिन भर जो टीवी चैनल पे प्रश्न उठता रहता है वो प्रश्न उठाने के लिए पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है। आप इस पे विचार कीजिए कि नेताओं का अपना फंडा है, वो सीख लिए हैं हेमा मालिन जी से कि बार बार कहेंगे केंट देता है शुद्ध पानी तो लोग जाएगा इलेक्ट्रिकल शॉप पे और केंट खरीद करके ले आ जाएगा, भले शुद्ध पानी दे कि नहीं दे। नहीं, प्रचार का तो यही असर होता है कि फेरन लवली लगाइएगा मुंह गोरा हो जाएगा। अब्बल तो ये बात है कि गोरा होने का क्या जरूरत है, काला आदमी इंसान नहीं होता है क्या। दूसरा, अगर सच में गोरा होता हो तो मुझे ऐसा 10 आदमी खोज करके बताइए जो गोरा हो गया हो फेरन लवली लगाने के बाद। लेकिन प्रचार जो है, प्रचार इस तरीके से किया जा रहा है कि आप उस झूठ को सच मान लें, बार बार झूठ बोला जाए और झूठ को आप सच मान लें, इससे उनका काम तो चल जाएगा लेकिन आपका क्या होगा, हमारा क्या होगा, समाज का क्या होगा, देश का क्या होगा, और इस पर कौन विचार करेगा। उन विचारों को लेकर के, उन सवालों को लेकर के हम चुनाव के मैदान में हैं। हम जानते हैं हमारी ताकत का अंदाजा हमसे ज्यादा और किसको होगा, हम जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि एक दिन में कोई विकल्प नहीं खड़ा किया जा सकता है, ये भी हम जानते हैं। तो एक दिन में कोई बिल्डिंग भी तो नहीं खड़ी की जा सकती है, ऐसा तो नहीं है कि कोई आया आदमी अलादीन का चिराग लेकर के और यहां सामने खड़ा होकर के बोला कि स्टेज बन जा तो ये स्टेज तैयार हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। कोई हथौड़ी लाया होगा, कोई कील लाया होगा, कोई पटरा लाया होगा, ठोका होगा, तब तो जाके स्टेज बना है। बिल्डिंग बनता कैसे है, एक ईंट पे ईंट जब हम जोड़ करके रखते हैं तब बिल्डिंग तैयार होती है। उसी मजबूत नींव के निर्माण के लिए हम आज आपके बीच आए हैं। हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए अपील करने के लिए आए हैं जो चुनाव के पहले भी लड़ रहा था, वो चुनाव के बाद भी आपके बीच रह करके आपके हक और अधिकार के लिए लड़ेगा। हम वैसे प्रत्याशियों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं जिनका इस देश में, इस समाज में राजनीतिक प्रतिमान को पुनर्स्थापित करने का इतिहास है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि कुछ जो भ्रम फैलाने वाले सवाल हैं उसको कुछ देर के लिए भूल जाइए। सबसे पहली बात तो ये कि लोगों के मन में एक इच्छा पैदा कर दी गई है कि हम जीतने वाले कैंडिडेट को ही वोट देंगे। तो जीतने वाले कैंडिडेट को ही वोट देना है तो फिर वोट ही क्यों देना है, आप नहीं भी देंगे वो तब भी जीत जाएगा। लोगों के मन में यह पैदा होता है कि हमारा वोट बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही आप कौन सा आबाद हैं,
कौन आपसे पूछ रहा है? कितना रेट लगा करके रखा है आपके वोट का? पता नहीं हमको आजकल महाराष्ट्र में क्या रेट चल रहा है। कितना? 500। महंगा हो यार तुम लोग, वहां ठीक ठाक रेट मिल रहा है। ये 1000 रुपया हमारा रेट है। ये 1000 रुपया, 1000 रुपया में जो अपना वोट दे देंगे, वोट बर्बाद हो जाएगा। अरे आप जिसको वोट दे रहे हैं ना, वो देश को बर्बाद करने के लिए कुर्सी पे बैठा है। जिसको वोट देकर के आपको लगता है कि आपका वोट आबाद हो रहा है, वो देश को बर्बाद करने के लिए ही वोट ले रहा है। आंख खोल करके देखिएगा ना, तो देखने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। वार्ड पार्षदी का जब चुनाव लड़ रहा था तो बुलेट था, 5 साल जब कंप्लीट किया तो फॉर्च्यूनर खरीद लिया। कहां से लाया? वही 1000 रुपए में जो आपका वोट लिया ना, वो सूद समेत आपसे वसूल लिया, आपको पता ही नहीं चला। आपको क्या लगता है सड़क पे गड्ढा अपने आप हो जाता है? अरे सड़क पे गड्ढा हो इसके लिए ठेकेदार से चंदा लिया जाता है। ठेकेदार और नेता का सेटिंग होता है। नेता कहता है कि चलो तुम भी खाओ हम भी खाते हैं, जियो और जीने दो के सिद्धांत पे ये पूरा का पूरा व्यवस्था चल रहा है। और आपको लगता है कि आपका वोट आबाद हो रहा है। मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूं, राजनीति राजनेताओं के लिए कैरियर का सवाल हो सकता है। राजनीति और चुनाव आपके लिए आपकी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। इस बात को हम लोगों को सोचना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं सोचेंगे तो हम अपने घरों में सुरक्षित नहीं रहेंगे। दिन रात जिस तरीके का नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, एक भीड़ तैयार की जा रही है। मामूली बात पे झगड़ा होता है। पहले भी तो एक्सीडेंट होते थे इस देश में, नहीं होता था क्या? बाइक से जा रहे हैं, कार में सट गया, साइकिल में सट गया, थोड़ा शीशा नीचे करके गाली गलौज हुआ, माफी वाफी हुआ, फिर निकलते रहे। ये बात जो है हिंदू मुसलमान पे कैसे पहुंच जाती है? कैसे ये बात राजनीति में धीरे 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 लोगों के दिमाग में चली गई है? बहस जब होता है तो मैं अपने भाजपा के दोस्तों से पूछता हूं, अच्छा तुम ही बताओ एक बात कि तुम खुश हो मोदी जी से? जो वादा किए थे वो पूरा कर दिए? तो कहता है वादा पूरा हो ना हो लेकिन मुसलमान को ठीक कर दिए हैं। तो हम कहते हैं एक बात बताओ, मुसलमान को ठीक कर देने से तुम्हारा जीवन कैसे ठीक हो जाएगा? इस सवाल का हमको जवाब दे दो। बस मान के चलो कि किसी और का घर जला दिया गया, उसे तुम्हारा घर थोड़े बन जाएगा रे गधा? ये तो सोच के हमको बताओ ना। किसी और का घर जलाने से मेरा घर बन जाएगा क्या? किसी और को गाली देने से मेरी समस्या समाप्त हो जाएगी क्या? सीआरपीएफ के कांस्टेबल ने कहा कि मेरे सीने में तिरंगा झंडा गाड़ देना है। बोले आओ गाड़ दो, सीने में नहीं सर पे गाड़ दो, हम भी लेके घूमेंगे। तिरंगा झंडा देश का राष्ट्रीय ध्वज है, सीने में गड़ा हो तो क्या दिक्कत है? लेकिन मेरे सीने में तिरंगा झंडा गाड़ देने से देश की बेकारी खत्म होगी, देश की महंगाई कम हो जाएगी, आपके बाल बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। कब तक इस नफरत के आधार पर आप राजनीति करते रहेंगे? और मैं कहता हूं, याद रखिएगा इस आम और खास मैदान की सभा को, दिन रुकता नहीं है, समय बदलता जाता है। इस तकरीर को याद रखिएगा, मैं आज कह रहा हूं कि नशा कैसा भी हो उतर जाता है, ये नशा भी उतरेगा, लेकिन इस नशे में आप अपने घर का रास्ता ना भूल जाएं, इस नशे में आप अपना इतिहास ना भूल जाएं, इस नशे में आप अपने पड़ोसी से झगड़ा ना कर लें, इस नशे में आप किसी के मां का गोद सूना ना कर दें, किसी को बेवा ना बना दें। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि अगर ऐसा आपने किया तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। मैं इसीलिए यह बात आपसे कह रहा हूं कि चुनाव एक मौका है कि इस तरह की नफरत करने वाली राजनीति को आप जवाब दे सकें। आप देश को, ये महाराष्ट्र की धरती है, इस महाराष्ट्र की धरती ने पूरे हिंदुस्तान को एक संदेशा दिया है। जब देश में लोकतंत्र नहीं था तब शिवाजी महाराज ने स्वराज की कल्पना की थी, अहमदनगर में स्वतंत्र राज्य की कल्पना की थी। जब कहीं भी संविधान लागू नहीं हुआ था
तब इस राज्य में संभाजी महाराज ने जो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए सामाजिक न्याय की व्यवस्था की थी। ये संत तुकाराम का देश है, ये अन्ना भाऊ साठे का कर्म भूमि है, ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कर्म भूमि है। आप लोगों को इस महाराष्ट्र के चुनाव में पूरे देश को एक संदेशा देना पड़ेगा, क्योंकि जब देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था तब भी महाराष्ट्र ने पूरे देश को एक संदेशा दिया और एक से एक क्रांतिकारियों को पैदा किया। आप औरंगाबाद की धरती से पूरे देश को एक संदेशा दीजिए कि हमारे लिए चुनाव मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं है, हमारे लिए चुनाव हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, हमारे लिए चुनाव इंसान का मुद्दा है, उसकी रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा है। इसी अपील के साथ एक नया इबादत लिखिए, एक नया रास्ता तैयार कीजिए। हो सकता है कि कई बार आपको अपने कमजोर होने का एहसास हो, आप शारीरिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, आप संख्या में कमजोर हो सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर वैचारिक प्रतिबद्धता है तो आप एक मजबूती से खड़ा होने वाले इंसान जो न्याय के लिए सवाल उठा सके, सवाल पूछ सके और किसी भी अन्याय के सामने सीना तान कर खड़ा हो सके, ये साहस आपके भीतर पैदा हो सकती है। और एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक बार एक जंगल में आग लगी तो सारे बड़े जानवर मुंह देख रहे थे, देख रहे हैं ना, बड़े बड़े पत्रकार को बोलने की हिम्मत नहीं है, बड़े बड़े नौकर साह को बोलने की हिम्मत नहीं है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को बोलने में डर लग रहा है, और बड़ा चौराई लेकर के जो घूमते थे नेता, 8 गाड़ी लेकर के, एक ईडी का नोटिस आता है, शाम में नोटिस पहुंचा है, सुबह में जाकर के कहते हैं अमित शाह से सदस्यता दे दीजिए हुजूर। बड़े बड़े जानवर जब जंगल में आग लगी तो मुंह देख रहे थे, एक छोटी सी कोयल अपने चोंच में पानी भर करके उस जंगल की आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी, बड़े जानवर उसको देख करके हंस रहे थे। आज जब हम लोग भी रैली निकाल रहे थे तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि क्या ये लोग कर लेंगे, ऐसा लग रहा होगा, तो मैं उन लोगों को बस इतना कहना चाहता हूं कि उस छोटी कोयल को देख करके जब बड़े जानवरों ने कहा कि तुम्हारी छोटे चोंच की पानी से जंगल की आग नहीं बुझने वाली है, तो कोयल ने कहा ये आग तो जरूर बुझेगी, वक्त कैसा भी हो बीत जाता है, ये अंधेरा का समय भी निकल जाएगा, ये नफरत का दौर भी गुजर जाएगा, ये नफरत की आग भी बुझ जाएगी, लेकिन याद रखना तुम्हारा नाम मुंह देखने वालों में, तमाशा देखने वालों में, आग लगाने वालों में लिखा जाएगा, और हमारा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इस नफरत की आग को बुझाइए, और जो 35 सूत्री मुद्दों को लेकर के एडवोकेट अभय टकसाल आपके बीच में आए हैं उस पर विचार कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, अपने पड़ोसियों से बात कीजिए, और उनको कहिए कि इतिहास बनाने का मौका है, मच्छू को चौहान वाली बात है, इतिहास बनाना है, एक नया इतिहास लिखने की कोशिश करनी है। इसी आशा और अपील के साथ कि आप विचार जरूर करेंगे, राजनीति में एक नया अध्याय शुरू करने का, एक उदाहरण पेश करने का, इसी अपील के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।